बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फार्मूला लोशन फॉर स्किन वाइटनिंग। जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने फार्मूला क्रीम्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने फार्मूला लोशन के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी रेमेडी है। इसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और उसका रिजल्ट भी शॉकिंग है। के फ्रेंड्स, जब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमें कितनी वाइटनिंग देने वाला है। फार्मूला लोशन को किस तरीके से बनाया जाता है और इसका रिजल्ट क्या है, ये आपको पता चलेगा जब ये आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। फ्रेंड, जो मेरा इस फार्मूला लोशन का मेन इन्ग्रीडियंट है वो है वैसलीन लोशन। आपको चाहिए वैसलीन लोशन, आपने कोई और लोशन यूज नहीं करना। वैसलीन लोशन फ्रेंड्स वाकई में वाइट करता है, ये वाइटनिंग के लिए स्पेशल बनाया गया है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेलकम पाउडर। कोई सा भी टेलकम पाउडर आप ले सकते हैं। जो मेरे पास टेलकम पाउडर है, इसमें कोलाजन टेलकम पाउडर। जी फ्रेंड्स, कोलाजन यह आपकी स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन भी करेगा। फ्रेंड्स, बेबी पाउडर हो या टेलकम पाउडर हो, फ्रेंड्स इनमें वाइट एजेंट काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो आपकी स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, ये मैंने ऐड किया इसके अंदर हाफ टी स्पून। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी कलर को बहुत ज़्यादा वाइट करता है, तो आपने कॉर्नफ्लोर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि आपने कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें से मिस नहीं करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेरे पास जिंक ऑक्साइड पाउडर। जिंक ऑक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजी। तकरीबन फ्रेंड्स, मैंने हाफ टी स्पून जिंक ऑक्साइड इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून मैदा। लेमन जूस 1 टीस्पून। लेमन जूस आपके कलर को बहुत ज्यादा फेयर करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास प्लेन योगर्ट। प्लेन योगर्ट मैंने ऐड किया है 1 चम्मच। फ्रेंड्स, आप इस लोशन को बनाकर स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको फौरन से बनाना है और फौरन से ही आपने इसको यूज करना है। कि फ्रेंड्स, हमारा फार्मूला लोशन रेडी है, इसको हम अप्लाई करेंगे अपने हैंड पे। आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसका अच्छे से मसाज करना है और आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये खुद ब खुद आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उन सब में मौजूद है वाइट एजेंट। वाइट एजेंट जब आपकी स्किन के अंदर जाएगा तो ये अंदर से आपकी स्किन को निखारेगा, वाइटनिंग देगा आपकी स्किन को। फ्रेंड्स, आपने इसको रात को लगाना है और रात को लगा कर आप सो जाइएगा। फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा। आपका जो कलर है वो काफ़ी हद तक फेयर हो चुका होगा। अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसको छोड़ रही हूँ पेनिट्रेट होने के लिए, कि मेरी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको वॉश करके अपने हेयर का रिजल्ट दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी स्किन में जज्ब हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। देखिए
फ्रंट हैंड को मैंने वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना शॉकिंग रिजल्ट है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों हेयर्स में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फेस पर लगाकर पूरी रात छोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। वो फ्रेंड्स, ये तो मैंने कुछ मिनट्स के लिए छोड़ा है। जब ये मेरे हैंड के अंदर जज्ब हो गया तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। अगर आप पूरी रात छोड़ेंगे तो आपको कितना शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा। होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।